हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो फाइनली हार्ले डेविडसन X440 डीलरशिप में आनी स्टार्ट हो चुकी है और आज मैं आया हूँ कैपिटल हार्ले, जिसकी ब्रांच आपको दिल्ली और एंसर में मिलेगी। सो यहाँ पे आपको सारे ही कलर ऑप्शंस और सारे ही वेरिएंट अवेलेबल होने वाले हैं, जिनकी बात आगे इस वीडियो में मैं डिटेल में करूँगा और कौन से कलर ऑप्शंस का क्या प्राइस रहेगा उनकी बात आगे इस वीडियो में मैं डिटेल में करने वाला हूँ। सो सबसे पहले अगर बात करें बेस वेरिएंट की, तो बेस वेरिएंट जो है वो आपको डेनिम विविड के नाम से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो जो ये कलर है वो आपको सिंगल कलर के साथ ही, सिंगल कलर ऑप्शंस के साथ ही अवेलेबल होगा। सो कलर जो है वो आपको मैट जो येलो फिनिशिंग के साथ है वो देखने को मिलेगा। इस वेरिएंट में हार्ले इस बाइक में जो अलॉय व्हील्स है वो ऑफर नहीं कर रही, स्पोक व्हील्स के साथ ये बाइक अवेलेबल होगी। बाकी यहाँ पे आपको 43mm की USD फोक्स मिल जाते हैं। USD फोक्स सारे ही बाइक्स में आपको कॉमन मिलने वाले हैं, 43mm की USD फोक्स अवेलेबल होंगे। LED सेटअप भी तीनों ही बाइक में आपको सेम मिलेगा, सारी बाइक LED सेटअप के साथ अवेलेबल होंगी। साइड इंडिकेटर्स भी जो है वो भी आपको LED साइड इंडिकेटर्स देखने को मिलने वाले हैं। तीनों ही वेरिएंट आपको ड्यूल चैनल ABS के साथ देखने को मिलने वाली है। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जो बेस वेरिएंट है वो आपको स्पोक व्हील्स के साथ अवेलेबल होगा। फ्रंट साइड में आपको मिलने वाली है 320mm की डिस्क साइज, 43mm की USD फोक्स मिल जाते हैं। फ्रंट में जो हेडलैम्प सेक्शन है वो आपको फुल LED सेटअप के साथ देखने को मिलेगा और जो डिज़ाइन है आपको जिस टाइप का रहेगा। बाकी क्रोम फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है, जो इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड करा रही है। सो बेस वेरिएंट जो है उसमें आपको जो हार्ले डेविडसन X440 की स्टिकरिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको कोई भी जो बैजिंग है वो देखने को नहीं मिलने वाली। मिडिल पैनल जो है वो आपको फुल ब्लैक फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। बाकी सीट जो है वो आपको यहाँ पे ब्राउन लेदर राइट जो फिनिशिंग है वो आपको देखने मिलेगी। सो इस टाइप का जो डिज़ाइन है वो आपको बेस वेरिएंट में देखने मिलेगा। बाकी एग्जॉस्ट नोट जो है उसका डिज़ाइन भी आपको सेम ही मिलने वाला है। रियर साइड में अगर मैं बात करूँ टायर सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 140x70 का टायर सेक्शन और यहाँ पर आपको 17 इंचज़ के स्पोक व्हील्स ऑफर किए जा रहे हैं। 240mm के आपको जो डिस्क साइज़ है वो देखने मिलेगी। बाकी बेस वेरिएंट में आपको ब्लूटूथ की जो कनेक्टिविटी है वो देखने को नहीं मिलने वाली और यहाँ पर आपको जो SOS का जो फीचर है वो भी देखने को नहीं मिलेगा। सो ये चीज़ें आपको बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी मीटर कंसोल आपको 3.5 इंच की TFT की डिस्प्ले के साथ देखने को मिलेगा। सो इनिशियल इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा। बाकी बेस वेरिएंट में एक बार की का डिज़ाइन चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपको जो की है वो आपको वेव की देखने को मिलेगी। सो इनिशियल इंटरफेस मीटर कंसोल कुछ ऐसा रहेगा, 3.5 इंच की TFT डिस्प्ले मिलेगी। बाकी यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। बाकी फ्यूल टैंक जो है वो आपको कुछ इस कलर के साथ देखने को मिलेगा। सो ये है बेस वेरिएंट की डिटेल्स। सो बेस वेरिएंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब बात करें अगर टॉप एंड वेरिएंट भी आपको सिंगल कलर ऑप्शंस के साथ देखने को मिलेगा, बाकी मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपको जो फ्यूल टैंक में जो हार्ले डेविडसन X440 की जो बैजिंग वो आपको 3D मिलने वाली है। बाकी बेस वेरिएंट में जो आपको स्टिकरिंग है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फीचर्स की, तो टॉप एंड वेरिएंट में ही आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। अलॉय व्हील्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं डायमंड कट अलॉय व्हील्स। फ्रंट में आपको मिलेगी 320mm की डिस्क साइज़। सस्पेंशन जो है वो भी आपको 43mm के मिलेंगे। फ्रंट में जो हेडलैम्प सेक्शन है वो आपको LED, यहाँ पर आपको बॉटम साइड में जो प्रोजेक्टर सेटअप है वो देखने को मिलेगा। साइड इंडिकेटर्स आपको LED ही यहाँ पे ऑफर कर रही है। फ्यूल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक की कैपेसिटी। बाकी टॉप से जो फ्यूल टैंक है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको वाइड देखने मिलेगा। हैंडल बार जो है वो लो राइज हैंडल बार यहाँ पे हार्ले इस बाइक में प्रोवाइड करा रही है। सो राइडिंग पोस्चर जो है वो आपको स्ट्रेट मिलने वाला है, अग्रेसिव बहुत ही कम देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे भी जो स्विचेज हैं वो भी आपको सेम मिलेंगे। टॉप एंड वेरिएंट में SOS का जो बटन है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इंजन जो किल स्विच है वो देखने को मिल जाता है। 1000 स्विच यहाँ पे अवेलेबल होगा। इस साइड अगर मैं स्विचेज की बात करूँ तो स्विचेज जो हैं वो कुछ यहाँ पे इस टाइप के देखने को मिलेंगे। बाकी स्विचेज की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम मिलने वाली है। सो जैसे ही आप की को ऑन करते हो, सो इनिशियल इंटरफेस जो है मीटर कंसोल का कुछ इस टाइप का रहेगा। बाकी अगर बात करूँ इसमें इंडिकेशन की, तो यहाँ पर आपको अगर आप इन स्विचेज की हेल्प से क्या क्या चीज़ें चेकआउट कर सकते हो, सो आपको ट्रिप और टाइम की इंडिकेशन जो है वो देखने को मिलेगी। एवरेज स्पीड, एवरेज फ्यूल, बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू इसमें आपको जो मैसेज और कॉल अलर्ट की जो नोटिफिकेशंस है वो भी यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है। बाकी इसके थ्रू आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू आप इसमें ट्रिप और नेविगेशन जो है वो भी ऑपरेट कर सकते हो और म्यूज़िक कंट्रोल भी आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू आप डेफिनेटली कर पाओगे। सो टॉप से जो फ्यूल टैंक का डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। जो यहाँ पे कलर है वो आपको कुछ रिफिलर में कुछ इस टाइप का देखने मिलेगा। सीट की अगर बात करें तो सीट जो है वो आपको फुल ब्लैक कलर के साथ यहाँ पे हार्ले इस बाइक में ऑफर कर रही है। बाकी 805mm की जो सीट हाइट है वो देखने मिलेगी। सो मिडल पैनल जो है वो भी आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग, यहाँ पे आपको जो स्टिकरिंग है जो ग्राफिक्स हैं वो कुछ इस टाइप के यहाँ पे अवेलेबल होंगे। बाकी ऑरेंज कलर के आपको जो हाइलाइटेशन है वो देखने मिलेगी। सो रियर साइड में जो लाइट है वो भी आपको LED यहाँ पे ऑफर की जा रही है। रियर साइड में आपको मिलेगा 140x70 का टायर सेक्शन, यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे इसके टॉप एंड वेरिएंट में। सो टॉप एंड वेरिएंट में आपको एक ही कलर अवेलेबल होगा जो कि मैट ब्लैक कलर रहेगा। मिड वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ, सो मिड वेरिएंट का जो नाम है वो आपको विविड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दो कलर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। सो ये रहेगा इसका डार्क सिल्वर कलर और वो रहेगा थिक रेड कलर। सो दोनों ही कलर आपको ग्लॉसी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। इसको यहाँ पे आपको जो हार्ले डेविडसन X440 के जो ग्राफिक्स हैं वो कुछ इस टाइप करेंगे। यहाँ पे आपको कार्बन फिनिशिंग देखने को मिलेगी। बाकी कलर जो है उसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी प्यारा लगा। सो इस टाइप का जो कलर है वो आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करें इसमें चेंजेस की, सो आपको इसके बेस वेरिएंट और टॉप एंड वेरिएंट में
मिल जाते हैं। बेस वेरियंट में अगर जाओगे तो उसमें आपको मिलेंगे स्पोक व्हील्स, और यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं अलॉय व्हील्स। बट टॉप एंड वेरियंट में आपको जो डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं वो देखने को मिलेंगे। सो टायर सेक्शन वाइज कोई भी चेंजेस यहाँ पे आपने इस बाइक में ऑफर नहीं कर रही। तीनों ही वेरिएंट्स में आपको 100x90 का टायर सेक्शन और रियर साइड में आपको मिलेगा 140x70 का टायर सेक्शन। बाकी यहाँ पे इस वेरिएंट में भी आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। USB चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा, जिसकी पोजिशनिंग जो है वो आपको जस्ट जो की है उसके साइड में देखने को मिलेगी। बाकी डार्क सिल्वर जो कलर है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। फ्रंट फेंडर में भी आपको डार्क सिल्वर कलर देखने को मिलेगा। फ्यूल टैंक में मिडल पैनल जो है वो आपको ब्लैक फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। ग्लॉसी फिनिशिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। रियर का जो फेंडर है वो भी आपको शॉर्ट टाइप का मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको जो डार्क सिल्वर कलर है वो देखने को मिलने वाला है। बाकी ग्रैब होल्डर का जो डिज़ाइन है वो भी कुछ इस टाइप का रहेगा। रियर में आपको जो लाइट है वो भी LED अवेलेबल होगी, सो लाइट का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। बाकी अगर बात करें इसके थिक रेड कलर की, सो थिक रेड कलर जो है वो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलने वाला है। डार्क रेड कलर आप कह सकते हो। ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। हार्ली डेविडसन X440 जो ग्राफिक्स हैं वो आपको जस्ट फ्रंट टैंक की साइड में देखने को मिलेंगे। बाकी इसका जो फ्रंट फेंडर है वो भी आपको डार्क जो रेड कलर है उसके साथ अवेलेबल होगा। फ्यूल टैंक आपको डार्क रेड कलर के साथ अवेलेबल होगा, और रियर का जो फेंडर है वो आपको डार्क रेड कलर के साथ अवेलेबल होगा। सो ये थे चारों कलर ऑप्शंस जो आपको तीनों ही वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। सो बेस वेरिएंट में जाओगे तो सिंगल कलर मैट येलो फिनिशिंग के साथ अवेलेबल होगा। टॉप एंड वेरिएंट में जाओगे तो मैट ब्लैक कलर, और मिड वेरिएंट में अगर जाते हो तो आपको दो कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो अगर बात करें इन दोनों बाइक्स के प्राइसिंग की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस वेरिएंट की प्राइसिंग। तो बेस वेरिएंट स्टार्ट हो जाता है 2.29 लाख एक्स शोरूम। ऑन रोड प्राइसिंग की अगर हम बात करूँ तो ये बाइक आपको अवेलेबल होगी 2.80 लाख ऑन रोड प्राइसिंग के साथ। टॉप एंड वेरिएंट में जाते हो तो टॉप एंड वेरिएंट का एक्सशोरूम प्राइस 2.69 लाख एक्सशोरूम। ऑन रोड प्राइसिंग की अगर हम बात करूँ तो 3.30 ऑन रोड प्राइसिंग के साथ जो ये बाइक है वो अवेलेबल होगी। मिड वेरिएंट में जाते हो तो मिड वेरिएंट का एक्सशोरूम प्राइस आपको 2.49 लाख एक्सशोरूम देखने को मिलेगा। तो ये थे तीनों ही वेरिएंट और उनके कलर ऑप्शंस। सो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है हार्ले X440 को लेकर, सो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में हम क्वेश्चंस का जरूर रिप्लाई करने वाला हूँ। सो करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।